हेलो फ्रेंड्स, भालोठिया ऑनलाइन क्लासेज के चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल का जो 11 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, अमिताव घोष को दिया गया। अब देखो, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लेखक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विजय हजारे किस खेल से संबंधित थे। तो विजय हजारे वो किस खेल से संबंधित थे, क्रिकेट से संबंधित थे। यानी कि विजय सैमुअल हजारे वो क्या थे, एक भारतीय क्रिकेटर थे। ये 1951 से 1953 में भारतीय क्रिकेट टीम के क्या रहे थे, कैप्टन भी रहे थे। और इसी कारण क्रिकेट के क्षेत्र में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, विजय हजारे ट्रॉफी भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भूटान का नेशनल बर्ड क्या है। तो देखो, भूटान का नेशनल बर्ड क्या है, ब्लैक रावन। क्या है, ब्लैक रावन है, और ये कौवे की प्रजाति का ही पक्षी होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चींटी के काटने से कौन सा अम्ल निकलता है। तो चींटी के काटने से कौन सा अम्ल निकलता है, फॉर्मिक अम्ल निकलता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCOOH, इसका रासायनिक सूत्र होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जो पेनिसिलिन होती है वो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त की गई थी। किससे, पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त की गई थी, और ये क्या थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि एक खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों के साथ नहीं रहता, वह क्या आ जाता है, अटैक पे आगे आ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, चेरी पिकिंग शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि केरल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है। तो कौन थे, EMS नंबोदिरी पैड थे। कौन थे, नंबोदिरी पैड थे। और ये क्या थे, 1909 में केरल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद में ये 1967 में दोबारा केरल के चीफ मिनिस्टर बने थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम पंचायत सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। जो इसमें इलेक्टेड जो हेड होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखो, राष्ट्रपति से जो महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 से संबंधित है। यानी कि संविधान के उल्लंघन के लिए क्या लगाया जाता है, उन पर महाभियोग लगाया जाता है, और वो कौन से आर्टिकल से है, आर्टिकल 61 से संबंधित है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे छोटा बर्ड कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे छोटा बर्ड है वो कौन सा होता है, हमिंग बर्ड होता है। ये अमेरिका का नेटिव बर्ड है। कहाँ का है ये, अमेरिका का नेटिव बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि समर सोलिस्टाइस 2019 कौन सी डेट को आएगी। तो समर सोलिस्टाइस क्या होती है, ग्रीष्मकालीन सोली भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, समर सोलिस्टाइस को क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन सोली भी कहते हैं। यानी कि इसका क्या अर्थ होगा कि जिस दिन दिन और रात के बीच में क्या हो, डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो। तो देखो, हमारी अर्थ पे दो प्रकार के हेमिस्फीयर हैं। क्या है, हमारी अर्थ पे दो प्रकार के हेमिस्फीयर हैं। एक तो नर्दर्न हेमिस्फीयर है, और एक कौन सा है, सर्दर्न हेमिस्फीयर है। कौन सा है, नर्दर्न हेमिस्फीयर और सर्दर्न हेमिस्फीयर। तो देखो, 21 जून को सूर्य की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है, तो इस कारण 21 जून को दिन क्या होते हैं, नर्दर्न हेमिस्फीयर पे सबसे बड़े होते हैं। अब देखो, सर्दर्न होमिस्फीयर की यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। क्या होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती है। तो सर्दर्न हेमिस्फीयर पे कब आएगा, 22 दिसंबर को। अगर नर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो 21 जून को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सबसे पहले
किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो सबसे पहले किसके द्वारा बनाई गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाई गई थी, और कब बनाई गई थी? 1796 में बनाई गई थी। तो ये देखो, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है यानी कि चेचक, इसे क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स को चेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? चेचक कहते हैं। और ये मेनली, ये कॉमनली ये डिजीज किस में होती है? बच्चों में होती है, और किसके कारण होती है? वेरिसेला वायरस के कारण होती है। याद रखना, वेरिसेला वायरस के कारण ये डिजीज होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से फॉरेनर को 2019 का पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो देखो, जो पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? अभी 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें जो फॉरेनर थे वो कौन थे? इस्माइल ओमेर गुले। कौन थे? इस्माइल ओमेर गुले थे। ये कहाँ के थे? ये जिबूती के अध्यक्ष थे। कहाँ के? जिबूती के क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 24 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब देखो, 24 जनवरी एक होता है 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल वोटर डे। 25 जनवरी को क्या आता है? नेशनल वोटर डे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ICC? तो कौन है? देव रिचर्डसन। कौन है? देव रिचर्डसन है। अब देखो, ये 2 जुलाई 2019 जब भी वर्ल्ड कप जब खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद में कौन बन जाएगा? मनु सहानी। कौन बन जाएंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ICC के कौन बन जाएंगे जब वर्ल्ड कप के बाद में? कौन बन जाएंगे? मनु सहानी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एनिमल ओवीपेरस है? ओवीपेरस का अर्थ क्या होता है? कि वो एनिमल जो अंडे देता हो। तो देखो, आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो जाएगा। देखो, वहाँ पे ऑप्शन में क्या था? फ्रॉग भी था। तो फ्रॉग होता है वो कैसा होता है? ओवीपेरस होता है। इसके अलावा कौन कौन से जो एनिमल हैं, जैसे पक्षी होते हैं, जैसे बर्ड होते हैं, वो भी क्या होते हैं? ओवीपेरस होते हैं। पक्षी, रेप्टाइल्स, कौन से? रेप्टाइल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? ओवीपेरस होते हैं। एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग, सैलामेंडर, तो एम्फीबियंस भी होते हैं, वो कैसे होते हैं? ओवीपेरस होते हैं। फिश होती हैं, वो भी पानी में क्या देती हैं? अंडे देती हैं। और जितने भी मोलस्क हैं वो भी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। लेकिन आपका वहाँ पे आंसर क्या था? फ्रॉग। तो आपका राइट आंसर वहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो जो सिपाही विद्रोह यानी कि जो 1857 की क्रांति थी, तो वो कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष कौन थे? सेम मनेकशुक थे। कौन थे? सेम मनेकशुक थे। अब देखो, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? कब आज़ाद हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था। तो उस टाइम पे कौन थे? सेम मनेकशु थे। यानी कि अगर ये क्वेश्चन को ऐसे भी नहीं पूछ के तो कैसे पूछ ले कि 1971 में जब भारत पाक युद्ध के दौरान भी भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन थे? सेम मनेकशु थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? 30 दिसंबर 1600 को भारत आई थी, और 1613 में अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी? उन्होंने सूरत में अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी। इसे क्या कहते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी के नाम से भी जानी जाती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था, नजरुल इस्लाम इज सिटीजन ऑफ विच कंट्री? कि नजरुल जो इस्लाम था वो कहाँ का सिटीजन था? कौन सी कंट्री का? तो कहाँ का था? बांग्लादेश का था। और ये बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय कवि था। क्या था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि था नजरुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पेप्सिको की पहली भारतीय महिला CEO कौन है? तो कौन थी? इंदिरा नुई थी। यह एक भारतीय अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चाइना का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो चाइना का पहला राष्ट्रपति कौन था, सन यट सेन था, सन यट सेन था जो क्या थे, चाइना के पहले राष्ट्रपति थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम में किसका भाषण संग्रह है, तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम में किसका भाषण संग्रह है, महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी ने अपने सभी भाषणों का संग्रह किस में कर लिया था, इंडिया ऑफ माई ड्रीम नामक पुस्तक में कर लिया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना का जो कार्यकाल था वो बांग्लादेश में सबसे प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि चीन के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल, देखो तो चाइना, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखो चीन के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो सबसे लंबा किसका था, लीन सेन का, किसका था, लीन सेन का कार्यकाल सबसे लंबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि परनाम आयोग क्या था, परनाम आयोग, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि परनाम आयोग किस राज्य से संबंधित है, तो परनाम आयोग किस राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित है, और इसको किसने शुरू किया था, असम के मुख्यमंत्री, अब देखो असम के मुख्यमंत्री कौन है, सर्वानंद सोनवाल, कौन थे, सर्वानंद सोनवाल, तो इस आयोग की क्या थी, सर्वानंद सोनवाल ने इस आयोग की शुरुआत की थी, कि इसमें क्या था कि जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी थे उनके बूढ़े माँ बाप की सुरक्षा के लिए कौन सी आयोग शुरू किया गया था, परनाम आयोग शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो देखो बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3, तो इसे क्या कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, बैंकिंग सोडा, या इसे क्या कहते हैं, खाने का सोडा, या इसे क्या कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं। तो ये जो बैंकिंग सोडा है वो खाना बनाने यानी कि व्यंजक बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि पी बराबर एफ अपॉन ए का नियम किसने दिया था, तो पी बराबर एफ अपॉन ए क्या था, ये दाब का सिद्धांत, दाब का नियम था, क्या था, दाब का नियम था, और ये किसने दिया था, पास्कल ने दिया था। मतलब अपन क्या कह सकते हैं, किस किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब को किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, कि यानी कि क्या है, एफ अपॉन ए है, यानी कि अपन क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल पी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखो अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब का मान क्या हो जाएगा, कम में हो जाएगा। तो देखो इसका मात्रक क्या हो गया अब, कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया। और ये क्या होती है, दाब होती है वो एक अदिश राशि होती है, कैसी राशि है, कि अदिश राशि है, और वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है, कितना होता है, डेसिबल होता है, और 60 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, इससे ऊपर की ध्वनि मनुष्य के कानों को क्या कर देती है, बहरा कर देती है। अब देखो एक 20 हर्ट्ज की ध्वनि मनुष्य के लिए, आवृत्ति की ध्वनि क्या होती है, मनुष्य उस आवृत्ति की ध्वनि को क्या कर सकता है, सुन सकता है, क्या कर सकता है, सुन सकता है, इससे ऊपर या नीचे की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा झरना कहाँ है, तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा झरना कौन सा है, नोहक लिकाई फॉल, कौन सा है, नोहक लिकाई फॉल है, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा झरना है। और जब सबसे बड़ा झरना है वो कौन सा है, कुचिकल, कौन सा है, कुचिकल। तो अगर सबसे बड़ा पूछे तो कुचिकल है, और ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अब देखो जो कर्नाटक में एक कौन सा है, वो गरसोपा जलप्रपात भी है, क्या है, गरसोपा जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यह भी कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में जो शरावती नदी है उस पे स्थित है।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत कब आए थे, 1498 में आए थे। कब आए थे, 1498 में आए थे। क्या थे, पुर्तगाली खोजकर्ता था। वास्को डी गामा कौन थे, पुर्तगाली खोजकर्ता थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि EWS क्या था, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS का क्या होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य कौन सा था, गुजरात। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले, तो अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, गुजरात। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची झील है वो कौन सी है, रस झील। कौन सी है, रस झील। और अगर सबसे बड़ी झील पूछे तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, माचार झील। कौन सी है, माचार झील, जो पाकिस्तान के सबसे बड़ी झील है, माचार झील पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है। और ये जो दक्षिण एशिया की क्या है, सबसे बड़ी झील भी है माचार झील, ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डेरिंग बडी हिल स्टेशन कहाँ पे है, तो जो डेरिंग बडी हिल स्टेशन है वो कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रकाश की तीव्रता किसमें मापते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता किसमें मापते हैं, कैंडिला में। किसमें, कैंडिला में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंग्लिश टीचर बुक के राइटर कौन है, तो इंग्लिश टीचर के बुक के राइटर कौन है, आर के नारायण ने। और ये कब लिखी थी इन्होंने, 1945 में लिखी थी। ये देखो एक क्वेश्चन और था कि भवई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन सा, भवई नृत्य। ये देखो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि भवई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भवई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान का। कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान का। अब देखो एक था कि इंडियन कूलिंग सेक्शन प्लान कौन सी डेट को पब्लिश किया गया था, तो जो इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान है वो कौन सी डेट को पब्लिश किया गया था, तो 8 मार्च 2019 को पब्लिश किया था इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान। ये क्या बताता है, सेक्टरों में कूलिंग की आवश्यकता को बताता है इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और देखने के लिए धन्यवाद।